वीपीसी ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि विदित है, फार्मासिस्ट राजस्थान फार्मासिस्ट एग्जाम की आज ही डेट आई है, जो कि टेंटेटिव डेट है। ये टेंटेटिव डेट अक्टूबर में प्रस्तावित की गई है, 4th of October 2020 में। राजस्थान में फार्मासिस्ट की एग्जाम भर्ती के लिए तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को वीपीसी ट्यूटोरियल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और उनका भविष्य उज्ज्वलमय हो। इसी के साथ आप सभी विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल वीपीसी ट्यूटोरियल से जुड़ें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा, आप निरंतर इस चैनल से जुड़े हुए रहें। इसी कड़ी में हमारे लास्ट वीडियो में हमने टेबलेट के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि एंटेरिकोटेट टेबलेट के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं फिल्म कोटेड टेबलेट्स के बारे में। फिल्म कोटेड टेबलेट्स के बारे में क्या होती हैं फिल्म कोटेड टेबलेट्स? देखो, फिल्म कोटेड टेबलेट्स, इनमें बहुत ही पतली वेरी थिन लेयर ऑफ ए पॉलीमर आर कोटेड ओवर द टेबलेट सरफेस। तो मेन चीज है इसमें पॉलीमर कौन कौन से यूज होते हैं, विच पॉलीमर्स आर यूज्ड फॉर फिल्म कोटिंग, लाइक एग्जांपल HPC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज, HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, एंड अनदर इज एक्वाकोट। इसके बारे में आपको खास बात बताता हूँ। एक्वाकोट में क्या होता है, 30% इथाइल सेल्यूलोज, 30% इथाइल सेल्यूलोज का सॉल्यूशन होता है, 30% इथाइल सेल्यूलोज का सॉल्यूशन होता है। सेल्यूलोज, जैसा कि आप सब भी जानते हैं, एक प्लांट डेराइव्ड पॉलीमर है बेसिकली सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज के जितने भी डेरिवेटिव होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। इसमें एक ही एक्सेप्शन है, वो है इथाइल सेल्यूलोज। इथाइल सेल्यूलोज इज वाटर इनसोल्यूबल सेल्यूलोज पॉलीमर है। इसी कारण 30% इथाइल सेल्यूलोज का सॉल्यूशन अपन किस में बनाते हैं, एल्कोहल में। और इसी को बोला जाता है एक्वाकोट। जैसा कि नाम में एक्वा मतलब अपन समझे कि पानी से बना हुआ सॉल्यूशन होगा, लेकिन ये गलत होगा। एक्वाकोट है 30% इथाइल सेल्यूलोज सॉल्यूशन इन एल्कोहल, ठीक है। और इथाइल सेल्यूलोज इज ओनली सेल्यूलोज पॉलीमर विच इज वाटर इनसोल्यूबल। सेल्यूलोज के सारे पॉलीमर वाटर में सोल्यूबल होते हैं, केवल एक्सेप्शन है इथाइल सेल्यूलोज। अब अपन इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं, फिल्म कोटेड टेबलेट के एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेज हैं फिल्म कोटेड टेबलेट के? सबसे पहला एडवांटेज तो यह है कि भाई टेबलेट की सरफेस रफ रहती है, तो जो रफ सरफेस होती है वो थोड़ी स्मूथ बन जाती है, जिससे कि टेबलेट की मैकेनिकल स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। तो पहला काम तो होगा बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में अपन इसको बोल सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेबलेट का बढ़ेगा इसमें, ठीक है। और ये बहुत ही पतली लिटिल थिन फिल्म होती है, ठीक है, तो टेबलेट का वेट भी कम ही इंक्रीज होगा। लिटिल इंक्रीज इन
टेबलेट वेट, लिटिल इंक्रीज इन टेबलेट वेट। इसके अलावा ये एक ऐसी कोटिंग होती है जिसमें शुगर भी यूज नहीं होता, तो अवॉइड शुगर, अवॉइड शुगर, शुगर भी जिसमें अवॉइड होगा और इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, टेबलेट का वेट भी कम बढ़ेगा और शुगर भी अवॉइड होगा। नेक्स्ट इसका क्या फायदा है, हैव एबिलिटी टू रिटेन डिबॉस्ड मार्किंग। किसी भी कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम जो कि टेबलेट की सरफेस पे रहेगा तो वो उसको अपन बोलते हैं डिबॉस्ड मार्किंग, तो इसमें डिबॉस्ड मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्लीज बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारे चैनल को, और कमेंट करके बताएं। ठीक है।